شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. मोहतरम दीनी भाइयों, रमज़ान का आखिर अशरा ये शुरू होने वाला है। चूँकि आखिर अशरे में जहाँ बहुत से नेक अमाल एक रोज़ेदार अंजाम देता है, उन्हीं अमाल में से एक अमल एतकाफ भी है। हम सब चूँकि लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में कैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिदें बंद हैं। अब सवाल भाइयों की तरफ से ये हो रहा है कि क्या एतकाफ हम घरों में बैठ सकते हैं? मस्जिदें बंद हो गई और फ़र्द नमाज जो हम जमात के साथ मस्जिद में अदा करते थे, अब उन फ़र्द नमाज को हम जमात बना करके हम घर में अदा कर रहे हैं। जुमा की नमाज जो हम मस्जिद में अदा करते थे, मस्जिद में ना अदा करके उसकी जगह पर हम 4 रकात दुहर घर पे अदा कर रहे हैं। तो क्या एतकाफ जो हम मस्जिद में बैठते थे, क्या हम घर में बैठ सकते हैं? जवाब यह है कि एतकाफ ये ऐसी इबादत है जिसकी अदायगी मस्जिद के साथ ख़ास है। यानी एतकाफ अगर इंसान को बैठना है तो वो मस्जिद ही में होगा, घर में नहीं होगा। दलील अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम की सूरह बकरा आयत नंबर 187 इरशाद फरमाया, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। तुम उन औरतों से मुबाशरत मत करो इस हाल में कि तुम मस्जिद में हालत एतकाफ में हो। तो ये आयत इस बात का दर्स देती है। इस आयत से ये मालूम होता है कि एतकाफ जो इबादत है ये मस्जिद के साथ ख़ास है और ये हुक्म मर्द औरत सबके लिए बराबर है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी, अहदे रिसालत में भी कहीं इस बात का सबूत नहीं मिलता है कि कोई इंसान ये मस्जिद के अलावा ये घर में एतकाफ बैठता रहा हो। हत्ता कि आप देखिए उम्महातुल मोमिनीन अज़वाजे मुतहरात के घर ये मस्जिद नबवी से मुत्तसिल थे, लेकिन उनमें से भी बात के बारे में आता है कि वो भी मस्जिद ही में एतकाफ किया करती थीं। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एतकाफ बैठते थे, जबकि आपका घर मस्जिद से मिला हुआ होता था। बाद में भी सहाबे कराम, ताबईन, तबा ताबईन, सलफ से इस बात का सबूत नहीं मिलता है कि उन्होंने घर में एतकाफ किया हो। तो मालूम ये हुआ कि एतकाफ ये इबादत है जो मस्जिद में होगी, ये घर में नहीं होगी। लेकिन हमारे वो भाई जो पिछले सालों में मस्जिद में एतकाफ बैठते थे, इस साल भी मस्जिद में एतकाफ बैठने का उनका इरादा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे आए कोरोना वायरस की वजह से कि मस्जिदें बंद कर दी गईं और उन मस्जिदों में इज्तिमाई तौर से यह है कि लोग काफ़ी मिकदार में इकट्ठा होंगे। तो यह है कोरोना वायरस की बीमारी के मज़ीद बढ़ने का अंदेशा है। एहतियाती तदाबीर की बुनियाद पर मस्जिदें बंद हो गईं। तो हमारे वो भाई रंजीदा ना हों, इंशाअल्लाह उन्हें उनकी नीयत पर एतकाफ का सवाब मिलेगा, इसलिए कि उनकी नीयत थी। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि अब मस्जिदें बंद हैं, मस्जिद में एतकाफ नहीं बैठ सकते हैं तो उनको उसका पूरा पूरा अज्र और सवाब इंशाअल्लाह उनकी नीयत पर मिलेगा। आपको मालूम है कि ग़ज़वे तबूक के मौके पर जब बहुत से सहाबे कराम ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस ग़ज़वे में शरीक हुए और कुछ ऐसे सहाबे कराम थे जो मदीना में थे और बीमारी की वजह से ना जा सके किसी और उज़्र की बुनियाद पर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबे कराम को जो अल्लाह के रसूल के साथ उस ग़ज़वे में शरीक थे कहा कि देखो तुम जिस भी वादी में जो भी कदम उठाते हो चलते हो, तुम्हारे कुछ ऐसे भाई हैं जो मदीना में अपने घरों में बैठे हुए हैं लेकिन अज्र और सवाब में तुम्हारे बराबर के वो शरीक हैं, इसलिए कि उन्हें उज़्र ने रोक रखा है। उज़्र यह है कि बीमार है या कोई ऐसी चीज़ कि शरई उज़्र की बुनियाद पर वो नहीं आ सके तुम्हारे साथ इस ग़ज़वे में, लेकिन अज्र और सवाब में वो तुम्हारे साथ शरीक हैं। तो ऐसे ही वो इंसान जो एतकाफ की नीयत कर चुका था लेकिन लॉकडाउन की वजह से मसाजिद के बंद होने की वजह से मस्जिद में एतकाफ नहीं बैठ रहा है, उस इंसान को इंशाअल्लाह एतकाफ का पूरा पूरा अज्र उसकी नीयत पर मिलेगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमारे जो भी आमाल इस माह रमज़ान में या उससे पहले या बाद में जो होंगे या हुए हैं, अल्लाह ताला उन तमाम आमाल को कबूल फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله। दारुल खैर फाउंडेशन, आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें।